हेलो एवरीवन। तो यार मेरे साथ में आज कानपुर की बहुत अच्छी फैकल्टी है, निर्मल सर हैं। यार 32 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, मैं इनसे पढ़ा भी हूँ, है ना। और बहुत अच्छी ऑर्गेनिक की आपको ट्रिक्स कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। और सर के लिए अगर मैं छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन दूँ तो सर ने अपने टाइम पे सेवन टाइम आईआईटी रुड़की क्वालिफाइड किया हुआ है और बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स आपको आईआईटीज में निकाली हैं, नीट में निकाली हुई हैं। और बहुत सारे बच्चे काकादेव कानपुर में सर से ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो सर आज से आपको यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बहुत ईजीएस्ट वे में। हेलो स्टूडेंट्स, निखिल सचान जी के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बोनिल कंपाउंड का सेक्शन है उसमें नेम्ड रिएक्शंस करके हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली नेम्ड रिएक्शन में आज शुरू कर रहा हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन का टॉपिक शुरू करते हैं। एल्डोल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो मैं पहले आपको एक कंपाउंड दिखा रहा हूं, CH3CH2CHO। आप देखिए CHO इसमें फंक्शनल ग्रुप है और इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन्स है। इट कंटेन्स टू अल्फा हाइड्रोजन्स। तो जब हम इस एल्डिहाइड को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना देंगे। जब हम इस एल्डिहाइड को डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे। उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है। अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए किस तरह से लिखा जाएगा। उसके लिए एक मॉलिक्यूल को आपने ऐसे लिखना है कि उसका CO ग्रुप नजर आए और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है कि उसका अल्फा H नजर आए। जब हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो उसको डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में यूनाइट होके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। उस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल बोलेंगे और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलेंगे। उस एल्डोल या कीटोल का स्ट्रक्चर लिखने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है रिएक्शन मैकेनिज्म और दूसरा है टेक्निक। तो पहले मैं आपको टेक्निक से अवगत करा दूं। एक मॉलिक्यूल को आपने ऐसे लिखना है कि उसका CO ग्रुप नजर आए और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है कि उसका अल्फा H नजर आए। आपने अल्फा H को क्या करना है, दूसरे मॉलिक्यूल के O को दे देना है। एक मॉलिक्यूल का अल्फा H दूसरे मॉलिक्यूल के O को दे देना है और अल्फा कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन को दे देना है। इससे आप देखोगे जो एल्डोल है उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, CH3CH2CH, इतना तो लिख ही दिया CH3CH2CH। अब देखिए इसमें O के साथ जोड़ दिया H, O को मिल गया H और इस कार्बोनिल कार्बन के साथ उस अल्फा कार्बन को जोड़ दिया CH CH3 CHO। तो ये CH3CH2CHO के दो मॉलिक्यूल्स का आपस में यूनियन करा के आप देखिए जो प्रोडक्ट बना है उसमें CHO के रेस्पेक्ट में ये देखिए अल्फा कार्बन है और अल्फा के साथ जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन है। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। तो हम आगे इसकी डेफिनेशन लिख दे रहे हैं एल्डोल रिएक्शन की। तीसरा पॉइंट देखिए, द यूनियन बिटवीन
टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन। यूनियन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स सेम और डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको सेल्फ एल्डोल बोलेंगे। अगर डिफरेंट कंपाउंड्स का एक एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं। जैसे एसीटोन है तो एसीटोन के पास आप देख सकते हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये है फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन है। तो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स एल्कली की प्रेजेंस में आपस में यूनाइट होके जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। CH3 का होल ट्वाइस C, OH, CH2, CO, CH3। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे टेक्निक से बनाएं? उसके लिए एक मॉलिक्यूल को आपने इस तरह लिखना है कि उसका CO ग्रुप नजर आए और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखना है कि उसका अल्फा H नजर आए। ये देखिए एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा कि उसका CO ग्रुप नजर आया और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा कि उसका अल्फा H नजर आ गया। देखिए अब करना क्या है, अल्फा H एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के O को दे देना है और अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच कर देना है। तो इससे आप देखोगे प्रोडक्ट बनेगा CH3 का होल ट्वाइस C, यहां तक लिखा, और O H, इस O को मिल गया H और इस कार्बोनिल कार्बन के साथ ये अल्फा कार्बन अटैच कर दिया CH2 CO CH3। कीटोन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखें, कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ जुड़ा कार्बन बीटा है, तो ये आप देख रहे हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग बोलेंगे कीटोल। लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल रिएक्शन ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सपोज हमारे पास ये है 3-pentanone, ये हमारे पास कीटोन है 3-pentanone। अब इसको हमने ट्रीट किया डाइल्यूट NaOH के साथ और हमें प्रोडक्ट लिखना है। तो हमको पता है कि जब भी किसी एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास कम से कम एक अल्फा H हो एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो ऐसे में उस एल्डिहाइड या कीटोन के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर लिखने की टेक्निक हम लोग देखिए अप्लाई करते हैं। एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखें कि उसका हमें CO ग्रुप नजर आए और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखें कि उसका अल्फा H नजर आए। अब आप देखें ये अल्फा H, दोनों कंपाउंड जो हमने लिखे हैं या जो दोनों स्ट्रक्चर लिखे हैं एक ही कंपाउंड के दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन लिखने का ढंग अलग अलग है। एक को ऐसे लिखा कि उसका CO ग्रुप नजर आए, दूसरे को ऐसे लिखा कि उसका अल्फा एच नजर आए। अल्फा एच आपने O को दे देना है, अल्फा कार्बन दे देना है कार्बोनिल कार्बन को। ध्यान रखिए इस प्रोसेस में एक पाई बॉन्ड टूट रहा है
और एक सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। इस प्रोसेस में कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और अल्फा सीएच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। और बॉन्ड्स देखिए बन कौन से रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड्स कौन से देखिए बन रहे हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। ये तो उतना पोर्शन लिखा रहा। अब हमने O को दे दिया H और इस कार्बन के साथ अल्फा वाला कार्बन देखिए अटैच कर रहे हैं और उसके साथ CH3, CO, CH2, CH3 ये लिखा हुआ है। तो आप गौर करिए इसमें कौन कौन से बॉन्ड्स बन रहे हैं। आप देखेंगे एक तो OH का सिग्मा बॉन्ड बना और दूसरा ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना, नया कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड देखिए बन रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है एक नया CC सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी टूटने वाले बॉन्ड्स में से एक पाई और एक सिग्मा है और बनने वाले बॉन्ड्स में दो सिग्मा है। तो आपको आइडिया होगा कि पाई बॉन्ड के टूटने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी और सिग्मा बॉन्ड के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी देनी पड़ी होगी कम, निकली होगी ज्यादा, मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी एल्डोल रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो होते हैं नॉर्मली स्पॉन्टेनियस माने जाते हैं अगर हम एंट्रोपी को कंसीडर नहीं करें। तो ये एंट्रोपी वाली बात हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो खैर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टूटने वाले बॉन्ड से पाई और सिग्मा, बनने वाले बॉन्ड से सिग्मा और सिग्मा, मजबूत बॉन्ड बन रहे हैं, वीक बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए ये प्रोसेस आपको फेवरेबल लग रहा होगा। और जो कंपाउंड बनेगा वो हमेशा आप देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही होगा और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो उसको हम लोग कीटोल कहेंगे, लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल रिएक्शन ही रखेंगे। अब यहां पे एक बात और समझने वाली है कि जो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, हीट करने पर इसमें से वाटर निकल जाता है, अल्फा का H और बीटा का OH, इसमें से वाटर निकल जाता है। आप देखेंगे हीट करने पर इसमें से वाटर निकल जाएगा, CH3CH2C CH2CH3, और ये डबल बॉन्ड CCH3CO CH2CH3। अब ये वाटर निकलने की प्रक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट बना तो इस प्रोडक्ट तक पहुंचना फ्रॉम द स्टार्टिंग कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन में जो बारीक फर्क है उसको आपने जानना है कि अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन रहा है तो उसको हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहेंगे, लेकिन अगर हम उस एल्डोल या कीटोल को हीट करके वाटर निकाल दे रहे हैं तो वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को एल्डोल कंडेंसेशन कह देंगे। क्योंकि कंडेंसेशन नॉर्मली उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हो विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। अगर कोई छोटा मॉलिक्यूल वाटर, HCl, अमोनिया वगैरह निकल रहा हो तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। ये बारीक डिफरेंस है, ऑल्दो ये डिफरेंस तभी कंसीडर में आएगा जब ऑप्शन के हिसाब से आपको देखने को मिले। इन जनरल कुछ लोग एल्डोल रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन को सेम ही मान लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे उस प्रोसेस की जिसमें आप देखोगे दो डिफरेंट एल्डिहाइड या कीटोन का एक एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। सपोज हमारे पास CH3CH2CHO है और इसके साथ हमने ले लिया एसीटोन। अब ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। अब इन दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स के मिक्सचर को जब हम डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो इसमें दो तरह के एल्डोल रिएक्शंस होंगे, सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या है कि इसके दो मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होंगे, इसके दो मॉलिक्यूल आपस में यूनाइट होंगे। क्रॉस एल्डोल का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल इसका हो एल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल कीटोन का हो। तो क्रॉस एल्डोल में एक बार अल्फा एच एल्डिहाइड का, एक बार अल्फा एच कीटोन का, तो उस केस में भी हमें दो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।
तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं जो स्टार्टिंग कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो इसमें फोर स्ट्रक्चरली आइसोमरिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें मिलेंगे। फोर स्ट्रक्चरली आइसोमरिक बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स इसमें प्राप्त होंगे। फोर कैसे? एक बनेगा इसके सेल्फ एल्डोल से, एक बनेगा इसके सेल्फ एल्डोल से, और क्रॉस एल्डोल से दो मिल जाएंगे, एक बार इसका अल्फा एच और एक बार इसका अल्फा एच। तो ये चारों प्रोडक्ट्स हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए चारों प्रोडक्ट्स मैं लिख रहा हूं, CH3, CH2, CHO, इसके दो मॉलिक्यूल का सेल्फ एल्डोल और दूसरा हो गया एसीटोन, इसके दो मॉलिक्यूल का सेल्फ एल्डोल। तो पहले मैं सेल्फ एल्डोल से प्रोडक्ट लिख देता हूं। तो जब सेल्फ एल्डोल से हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे तो जो टेक्निक बताई है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, CH3, CH2, CH, हम लोग यहां रुकेंगे और O को दे दिया अल्फा वाला H, CH3, CH2, CH, O को दे दिया अल्फा वाला H और इसके साथ हम लोग अल्फा वाला कार्बन जोड़ देंगे, लेकिन उसका एक H जा चुका है तो CH लिखा और उसके साथ जुड़ा है CH3 और ये CHO। तो देखिए आप इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब ये एल्डोल बन गया। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, CH3 का होल ट्वाइस लिखा, C लिखा और यहां रुक के O को दे दिया H, कौन सा अल्फा वाला, और इस कार्बन के साथ उस अल्फा कार्बन को कनेक्ट करना है और उसका एक H जा चुका है तो CH2 CO CH3। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे ये दो प्रोडक्ट्स बन गए सेल्फ एल्डोल से, एक बना प्रोपेनल के सेल्फ एल्डोल से, एक बना एसीटोन के सेल्फ एल्डोल से। अब हम लोग क्रॉस एल्डोल वाला जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसके लिए देखें किस तरीके से, तो सपोज हम एसीटोन का अल्फा एच ले रहे हैं, तो एसीटोन का अल्फा एच ले रहे हैं यानी कीटोन का अल्फा एच ले रहे हैं और एक बार एल्डिहाइड का अल्फा एच लेंगे, तो पहले केस में देखिए हमने कीटोन का अल्फा एच लिया और अल्फा एच दिया दूसरे के ओ को और अल्फा कार्बन दिया दूसरे के कार्बोनिल कार्बन को। तो इस तरह से प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH OH CH2 CO CH3। अब इस सेकेंड केस में देखिए एल्डिहाइड का अल्फा एच दूसरे के ओ को दिया, अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को दिया, तो इससे देखिए प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3 CH3 C, इतना पोर्शन वैसे ही लिखा रहा, फिर O को दे दिया हम लोगों ने H और इसके साथ जोड़ दिया ये वाला कार्बन यानी CH CH3 CHO, ये अल्फा ये बीटा। तो इस तरह से आपने देखा क्रॉस एल्डोल से दो प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो गए क्रॉस एल्डोल, ये भी क्रॉस एल्डोल है और ये भी क्रॉस एल्डोल है। तो एक बार इस एग्जांपल को मैं मेंशन कर रहा हूं क्वेश्चन के रूप में, व्हेन डाइल्यूट NaOH इज एडेड
टू ए मिक्सचर ऑफ प्रोपेनल एंड एसीटोन सेल्फ एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस ऑकर टू फॉर्म ए मिक्सचर एम वन कंटेनिंग एन वन नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमरिक प्रोडक्ट्स दिस मिक्सचर एम वन ऑन हीटिंग gives another mixture M2 containing N2 number of structurally isomeric products. Calculate the value of N1 plus N2. तो ये क्वेश्चन है कि हमने प्रोपेनल और एसीटोन के मिक्सचर में डाइल्यूट NaOH डाला, उससे सेल्फ और क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस हुई, एक मिक्सचर M1 मिला, उसमें एन वन नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमरिक प्रोडक्ट्स है, मतलब आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं सोचनी है। अब उस मिक्सचर को हीट किया तो हीट करने पर वाटर निकल के दूसरा मिक्सचर मिलेगा M2, उसमें N2 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमरिक प्रोडक्ट्स हैं, तो N1 N2 की वैल्यू कैलकुलेट करके फिर हमें N1 प्लस N2 बताना है। तो इसको देखिए किस तरह से जल्दी से हम लोग करेंगे। एक तो हमारे पास CH3CH2CHO है प्रोपेनल, उसमें सेल्फ एल्डोल होके बनेगा, ध्यान दीजिएगा तुरंत कैसे लिखें CH3CH2CH यहां रुकना है, O को दे दिया अल्फा H, अल्फा वाला H, और इस अल्फा कार्बन को जिसका एक H जा चुका है CH लिखा है, वो CH3CHO। इसी तरह से एसीटोन के सेल्फ एल्डोल से देखिए CH3 का होल ट्वाइस COH, ये अल्फा वाला H हमने O को दिया और अल्फा वाला कार्बन बचा CH2CO CH3। अब जब क्रॉस एल्डोल करा रहे हैं तो एक बार कीटोन का अल्फा H ले रहे हैं HCH2COCH3 कीटोन का अल्फा H, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए CH3CH2CH यहां रुकना है हमें, और O को दे देना है अल्फा H और इसी के साथ जोड़ देना है अल्फा कार्बन CH2COCH3 और एक बार हमें लेना है एल्डिहाइड का अल्फा H, तो एल्डिहाइड का अल्फा H ले लिया, तो अल्फा H दिया O को, अल्फा कार्बन दिया कार्बोनिल कार्बन को, CH3 का होल ट्वाइस COH CH CH3CHO, ये क्रॉस एल्डोल से बना है और ये भी क्रॉस एल्डोल से बना है। इस तरह से देखिए चार प्रोडक्ट्स बन गए और चारों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अब जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे इस मिक्सचर को जब हम लोग हीट करेंगे
तो आप देखेंगे वाटर हम लोग निकालेंगे तो इस वाले कंपाउंड को हीट करें। तो जब भी हम किसी एल्डोल या कीटोल को हीट करेंगे तो अल्फा से एच और बीटा से ओएच निकाल देंगे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये जो दूसरा कंपाउंड है जो कीटोल है वास्तव में, उसको जब हीट करेंगे तो जब भी हम एल्डोल या कीटोल को हीट करेंगे तो अल्फा से एच और बीटा से ओएच निकाल देंगे, तो CH3 का होल ट्वाइस सी डबल बॉन्ड CH CO CH3। ये भी देखिए क्या है, ये कीटोल है, इसको हीट कर रहे हैं तो इसमें भी अल्फा से एच और बीटा से ओएच निकाल देंगे, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। और ये जो लास्ट वाला कंपाउंड है ये एल्डोल है, इसको भी हीट करेंगे तो अल्फा से एच और बीटा से OH, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 CHO। आप ये चेक कर लीजिए कहीं कोई कॉमन तो नहीं है कंपाउंड आपस में, सब डिफरेंट है, चारों कंपाउंड देखिए डिफरेंट है, यानी N1 भी चार होगा, N2 भी चार होगा। अगर हम स्टीरियो केमिस्ट्री भी कंसीडर करेंगे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल भी कंसीडर करेंगे, तो फिर काइरल कार्बन जिसको हम चिराल कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कह सकते हैं उसके आधार पर तय करेंगे कि मिक्सचर M1 में टोटल कितने आइसोमर्स हैं, ऐसे ही मिक्सचर M2 में टोटल कितने आइसोमर्स हैं। तो अगर काइरल कार्बन का जिन लोगों को आइडिया है वो देख लें ध्यान से कि ये जो पहला वाला कंपाउंड है इसमें आप देखिए दो काइरल कार्बन है, और दो काइरल कार्बन जब डिफरेंट होते हैं तो उसके चार ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इसी तरह से सेकेंड वाले में देखिए एक भी काइरल कार्बन नहीं है, लेकिन थर्ड वाले में देखेंगे तो एक काइरल कार्बन होगा, और एक काइरल कार्बन होगा तो उसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसी तरह से थर्ड वाले में देखिए तो एक काइरल कार्बन है, सॉरी फोर्थ वाले में एक काइरल कार्बन है, तो पहले वाले में दो काइरल कार्बन है, दूसरे वाले में एक भी नहीं है, तीसरे वाले में एक काइरल कार्बन है, चौथे वाले में एक काइरल कार्बन है, तो वो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएगा। तो इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चरली आइसोमरिक वर्ड्स न लिखते, सिंपली ये कहते कि कितने आइसोमर्स मिले, तो हम लोग N1 की वैल्यू क्या बोलते, चार एक पांच, क्योंकि इसको हम लोगों ने एक ही गिनना है, चार एक पांच दो सात और दो नौ, नौ आइसोमर्स बोलते अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड हटा देते, क्योंकि अभी हम केवल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के बेसिस पर चार बोल रहे थे, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर वर्ड हटा देते हैं तो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नौ। और यहां पर देखिए इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो ये दो हो जाएंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है तो इसको एक ही काउंट करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है तो इसको दो काउंट करेंगे, इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल नहीं है तो इसको एक काउंट करेंगे। तो इस तरह से N2 की वैल्यू आप देखेंगे 6 आ जाएगी अगर हम स्ट्रक्चरली आइसोमरिक वर्ड की जगह आइसोमरिक प्रोडक्ट्स बोलते हैं। यानी उस सवाल में मैंने यदि ये कहा होता कि प्रोपेनल और एसीटोन के मिक्सचर को डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट किया तो एक मिक्सचर प्राप्त हुआ जिसमें N1 नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट्स मिले, तब N1 की वैल्यू लिखते 9, और उस मिक्सचर M1 को हीट करने पर N2 नंबर ऑफ आइसोमरिक प्रोडक्ट्स मिलते तो N2 की वैल्यू लिखते 6। यदि किसी एक भी एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा एच ना हो तो उस केस में क्रॉस एल्डोल से प्रोडक्ट कैसे बनाएं? सपोज हमारे पास CH3 CH2 CHO है और इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब आप देख रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड के पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो ऐसे में अल्फा एच का मतलब ही नहीं है, लेकिन इसके पास अल्फा एच है तो क्या करेंगे, इस केस में
जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिखेंगे, और एक मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखेंगे उसका सीओ ग्रुप नजर आए, और दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिखेंगे कि उसका अल्फा एच नजर आए। तो जिसके पास अल्फा एच है उसको ऐसे लिखें कि उसका अल्फा एच नजर आए, तो अल्फा एच दे दें ओ को और अल्फा कार्बन दे दें कार्बोनिल कार्बन को। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH2OH और CH CH3 CH। तो ये क्रॉस एल्डोल से प्रोडक्ट बना प्रोपेनल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन से। और ये देखिए प्रोडक्ट कैसा होगा, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आता है कि एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन हमें करानी है फॉर्मल्डिहाइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में, तो इसमें हमें क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिखना है। तो मैं इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, वो ऑप्शन के बेसिस पे आपको सही जवाब देना होगा। तो ए पार्ट है CH2OH और CH CH3 CHO, बी पार्ट है CH2OH CO CH3, सी पार्ट है CH3 CH OH CHO, और लास्ट पार्ट है CH2OH CH2 CHO। तो इस क्वेश्चन में देखिए, अगर हम लोग को ये आइडिया है कि इसके पास अल्फा एच है, भले इसके पास अल्फा एच ना हो तो क्रॉस एल्डोल से प्रोडक्ट बनेगा, तो एल्डोल से प्रोडक्ट तो बीटा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें, पहले वाले कंपाउंड को देखें, ए पार्ट में जो ऑप्शन दे रखा है उसको अगर देखें तो उसमें तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, जबकि यहां कार्बन 1 2 3 है। जब ये आपस में जुड़ेंगे तो 3 कार्बन का ही तो प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो 4 कार्बन है, तो ए पार्ट तो रिजेक्ट कर दिया। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो ये तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, और एल्डोल में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलता है, तो ये बी पार्ट भी गलत हो गया। अब अगर सी पार्ट गौर करो तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा अल्फा हाइड्रोक्सी है, ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से कॉमन सेंस से हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट सही हो जाएगा, और उसको चेक करिए, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और इसको बना के देख लेते हैं, ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम लोग बना के देखते हैं CH3CHO की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से करा के। तो क्या करेंगे देखिए, इसको पकड़ेंगे CH2 और इसके O को दे देंगे अल्फा वाला H और इसके साथ जोड़ देंगे अल्फा कार्बन CH2 CHO, अल्फा बीटा, ये देखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। और यदि इसको हीट करते हैं तो अल्फा का H और बीटा का OH, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन जाए। तो उम्मीद है जितना बताया है वो क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक को आगे नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।